खटमल से अपना हाथ कटवा कर ओह माय गॉड, विज्ञान के लिए खुद की बलि दे रहा हूँ। वो मेरा खून है, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं एक ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जहाँ मैं खटमलों की कमाल की दुनिया को गहराई से समझने की कोशिश करूंगा। खटमलों से छुटकारा पाने के लिए इंटरनेट पर आपको बहुत सी गलत जानकारी मिलेगी, और आज हम लगभग उन सभी अफवाहों को टेस्ट करेंगे, वो भी असली एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, और करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर आप अपनी कीड़ों के डर को दबाकर कुछ मिनट यहाँ पर मेरे साथ बिताएंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको खटमलों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और तो और, मैं आपको खटमलों का एक्सपर्ट भी बना दूंगा। आप जानेंगे कि वो दिखते कैसे हैं, उन्हें दूर कैसे रखते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, खटमलों से छुटकारा कैसे पाया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो उनसे छुटकारा पाना इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस ऑनलाइन मिल रही गलत जानकारी से दूर रहना है और मेरे आसान तरीकों को फॉलो करना है जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर हम पहुंच गए सीधे रटगर्स यूनिवर्सिटी में उनकी अर्बन एंटोमोलॉजी लैब को देखने, यानी कि ऐसे कीड़े मकोड़े जिन्हें आप अपने घर में नहीं देखना चाहोगे, और डॉक्टर वॉन से मिलने जो दुनिया के जाने माने खटमलों के एक्सपर्ट हैं। और हम इनकी लैब देखने इसलिए आए हैं ताकि हम ऑनलाइन मिलने वाले उन सभी तरीकों का टेस्ट कर सकें जो लोगों के हिसाब से खटमलों को भगाने के लिए पूरी तरह असरदार हैं। लेकिन वो करने से पहले मैं उन नन्हे मुन्नों को करीब से देखना चाहता था। हमने यहाँ हजारों खटमलों को रखा है, ये एक इंक्यूबेटर है, ये 20,000 से भी ज्यादा होंगे। यकीन नहीं होता, लगता है ये खटमलों का कोई घना जंगल है। ओके, क्या मैं इनमें से एक उठा सकता हूँ? ठीक है, मुझे इसे बिल्कुल भी गिराना नहीं है। इसमें करीब 400 या 500 खटमल होंगे। 400 या 500, वो भी इसमें? हाँ, तुम खोलोगे या मैं खोल दूँ? मैं खोलूंगा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार असली खटमलों को देखने वाला हूँ। चलो इसे खोले। क्या तुम्हें ग्लव्स पहनने? क्या मुझे पहनने चाहिए? हम तो हमेशा ग्लव्स पहनते हैं। तो मुझे भी पहनने चाहिए। डर लग रहा है, लेकिन मैं इसे देखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। ओची, वाव, यकीन नहीं होता यहाँ इतने सारे खटमल हैं। तो ऐसे दिखते हैं खटमल, मुझे ये पता ही नहीं था। चलिए मैं आपको खटमलों के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। उन्हें अंडों से विकसित होकर नर और मादा बनने में कुछ महीने लगते हैं, और उन महीनों के दौरान वो विकास के इन 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। ये रही क्रेडिट कार्ड के साथ खींची गई उनकी एक तस्वीर, जिसे आप उनके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। और हम इंसानों के पास 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन इनके ये कमाल के एंटेनास उन्हें 2 अतिरिक्त इंद्रियां प्रदान करते हैं, जिसे वो अपने शिकार के शरीर से निकल रही गर्मी और उसके मुंह से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर सकते हैं। और फिर पास आने के बाद वो इन्हीं एंटेनास की मदद से सूंघकर अपने शिकार के और पास पहुंचते हैं। और इसका ये मतलब है कि अगर आप अपने मुंह की गर्म हवा उन पर फेंकते हो तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो बौखला गए, वो यहाँ हवा भटक कर खाना ढूंढ रहे हैं, माफ करना दोस्तों। ये करीब 3 महीने से लेकर 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और वैसे तो इन्हें हफ्ते में एक बार खाना होता है, लेकिन ये बात जानने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खाने के बिना ये करीब 3 से 6 महीने जिंदा रह सकते हैं। क्या क्या ये इसलिए है कि वो ज्यादा हिलते नहीं? हाँ, और खून एक बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है, तो वो अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में डाल सकते हैं 3 से 6 महीनों के लिए। और प्रोफेसर यहाँ पर 3-6 महीने कह रहे हैं, लेकिन अब सुनिए इस वीडियो का सबसे पहला खटमलों का फैक्ट। अगर उनके आसपास का वातावरण ठंडा है तो वो बिना कुछ खाए लगभग 300 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये बहुत ही कमजोर है, उन्हें भूख लगी। तो अगर वो भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वो चपटे हो जाते हैं। हाँ। मैं इनका एक वीडियो लेना चाहूंगा जिसमें ये चपटे से बड़े और मोटे हो रहे हैं ऐसे। ओ, अगर तुम्हें वैसा करना है तो अपने हाथ पर रखो और देखो। और फिर ये फैसला मुझ पर सौंप दिया गया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। विज्ञान के लिए हमें खटमल को खून चूसते हुए देखेंगे। खटमलों को करीब 5 से 10 मिनट लगते हैं अपना पेट भरने के लिए। लगता है मैं अपने हाथ की बलि दे रहा हूँ। चलो शुरू करें। ओ माय गॉश, उसने चूसना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी शुरू कर दिया? हाँ, वो खून चूस रहा है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तुम्हारा शरीर काटने पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, अब उसका पिछवाड़ा ऊपर उठ रहा है। वाह, हाँ, ये तो बड़ा हो रहा है। और पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन इस छोटे से जीव को मेरा खून चूसते हुए देखकर मेरा मन विचलित हो गया, और मैं अपने ख्यालों में खो गया और खुद से कुछ ऐसे सवाल करने लगा जो मुझे पहले कर लेने चाहिए थे। कहीं ये बीमारियां तो नहीं फैलाते ना? मुझे ये सवाल 10 मिनट पहले पूछ लेना चाहिए था। और ये है इस वीडियो का दूसरा खटमलों से जुड़ा फैक्ट। ये लोग वाकई में किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैलाते, और एवोल्यूशन ने इन्हें ऐसा इसलिए बनाया है ताकि ये इंसानों के साथ मिलकर शांति से रह सके। यही कारण है कि कोई भी गवर्नमेंट इन्हें जड़ से मिटाने के लिए रिसर्च में अपने पैसे बर्बाद नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसानों को इनसे कोई जानलेवा खतरा नहीं। ना पूरा होने के बाद क्या यहाँ वहाँ भागने लगेगा? नहीं, भागेगा नहीं, क्योंकि अब ये बड़ा है और मोटा है। वैसे मैं बता दूं कि ये इस प्लेट की दीवारों पर बड़ी आसानी से चढ़ रहे हैं। हाँ, हम इस प्लेट के अंदर की दीवारों पर टैल्कम पाउडर लगाते हैं ताकि ये बाहर ना आ पाए। शायद हमारे पास यहाँ कहीं टैल्कम पाउडर होगा। शायद? मुझे ये सुनकर डर लग रहा है कि आपने शायद कहा। ओके। ओ गॉश,
वो हिल रहा है। देखो हो गया। अब मुझे क्या करना होगा? 9 मिनट में पेट भर गया, चिंता मत करो मैं इसे हटाता हूँ। तो 9 मिनट। अक्सर खून देने के बाद मुझे जूस और कुकीज मिलती हैं। और जब मैंने अपने खून पीने वाले दोस्त को एक भूखे खटमल के साथ रखा तो मैं उनके बीच का अंतर देखकर हैरान हो गया। और फिर मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया इन्हें एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने के लिए जो कि उसी टेबल पर पड़ा था। ओह माय गॉश, वाओ, ये तो मेरे रेड ब्लड सेल्स हैं। ओ, क्या वो बबल्स हैं? यकीन नहीं होता, प्रकृति कमाल की चीज है ना? मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सूजन है ना? अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुजली होती है। मतलब मैं अपने हाथों पर और भी ज्यादा रख सकता हूँ? कोशिश कर लो। विज्ञान के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मैं अपने हाथों पर 10 खटमलों को रखने जा रहा हूँ। दो, हमने मेरे हाथों के आसपास एक ऐसा पदार्थ भी लगाया है जो उन्हें पसंद नहीं, ताकि वो घेरे के बाहर ना निकले और उसके बीच में ही रहे। हाँ? यहाँ तो पार्टी चल रही है। 5, नीचे गिर गया है, उसे जल्दी से उठाइए। 6, प्लीज। 7, मैं उन्हें काटते हुए महसूस कर सकता हूँ अगर मैं 8, अपनी आंखें बंद करूँ। 9, 10, ओके, 11, मैंने सिर्फ 10 कहा था प्रोफेसर। 1 बोनस। ओह, ये तो अभी और मोटा और लाल हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कीड़े हर रात कुछ लोगों का खून चूसते हैं? यानी आधी रात के बीच उनके पैर ऐसे दिखते हैं। उन्हें हजारों खटमल काट सकते हैं एक रात में। हाँ, एक रात में। वो हर सेकंड बड़े होते ही जा रहे हैं। उम्मीद है ये मुझ पर अंडे देना शुरू ना करें। इस वाले का पेट भर गया। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। चलो इसे यहाँ से हटाएं। प्रोफेसर इनका पेट भरने के बाद मैं इन्हें इस आइलैंड से भगा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ पर चढ़े। इसका पेट भर गया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ओ, और तुम्हें भी जाना होगा, और तुम्हें भी। बाय। सिर्फ 2 बचे हैं। लगता है ये मिस्टर बीस का कोई चैलेंज है। जो आइलैंड पर आखिर तक टिका रहेगा उसे मिलेगा 1 लीटर खून। ओ, हमें अपना विजेता मिल गया। शायद ये मर गया है। नहीं, नहीं मरा। और फिर एक बार वापस तुलना करने के लिए, यहाँ है वो 11 खटमल जिन्होंने मेरा खून चूस कर अपना पेट भरा था, और ये हैं 11 भूखे खटमल जिनकी उम्र लगभग उतनी ही है। ठीक है, तो इन सबका खून चूसना हो गया। यहाँ कुल 11 थे जिन्हें करीब 10 मिनट लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उन्होंने मेरे जरिए अपना पेट भरा है। मतलब मुझे उन 11 बाइट्स में से एक थोड़ा सा चुभा, लेकिन उसके अलावा तो बता पाना नामुमकिन था। और मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया के 50% लोगों को खटमलों के काटने से कोई असर नहीं होता, और दुनिया के बचे हुए 50% लोगों की त्वचा पर खटमलों के थूक की वजह से किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन होगा, जो सुबह उठने पर कुछ ऐसा दिखेगा। तो अपने खून को बहाने के बाद वक्त आ गया था हमारे एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने का, जिसके लिए हम एक ऐसे कमरे में आए जिसे एक बैंक की तिजोरी की तरह बंद किया गया था। ठीक है, तो हम आ गए हैं इस खटमलों के टेस्ट चेंबर में, और हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए हैं। तो उदाहरण के लिए इन दोनों में रखी है ये 2 डिशेस, यानी खटमल इसके ऊपर चढ़ेंगे और फिर इस गड्ढे में फंस जाएंगे, क्योंकि अंदर इतनी फिसलन है कि वो बाहर नहीं आ सकते। और तो और, इन गड्ढों में हमने एक कांच की शीशी रखी है जिसके अंदर से ऐसी खुशबू निकलती है जिसे सूंघकर खटमल इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो या तो वो इसमें जाएंगे या इसमें। इस वाली डिश के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, लेकिन इस डिश के ऊपर एक अल्ट्रासोनिक खटमल भगाने वाली मशीन है। हम देखना चाहते हैं कि ये मशीन काम करती भी है या नहीं। तो 24 घंटों के बाद हम यहाँ वापस आएंगे और फिर गिनेंगे कि इन दोनों डिशेस में कितने खटमल जमा हुए हैं। और अगर इस वाली डिश में ज्यादा खटमल हुए तो ये चीज अपना काम कर रही है, लेकिन अगर उसमें भी उतने ही खटमल हुए तो ये खटमल भगाने की नहीं, आपके पैसे खर्चने की मशीन है। और इस अल्ट्रासोनिक खटमल भगाने की मशीन का टेस्ट लेने के साथ हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, ये जांचने के लिए कि क्या उन ऑनलाइन मिले खटमलों से छुटकारा पाने वाले तरीकों में से कोई काम करता है या नहीं, जिसमें थे ड्राई शीट्स, मॉथबॉल्स, बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल्स। और मेरे मन में उठ रहे कुछ सवालों को दूर करने के लिए हमने इस डिश में एक छोटा खंबा भी रखा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ खटमलों के बारे में इस वीडियो का तीसरा फैक्ट। प्रोफेसर ने मुझे बताया कि खटमल लंबी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, और सोचा जाए तो ज्यादातर इंसान किसी भी कमरे में फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर सोते हैं, इसलिए खटमलों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अगर वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ें तो वहाँ पर उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए एक शिकार मिल ही जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पलंग का पैर। और इन दोनों ट्रेज में हमने खटमलों को आकर्षित करने वाली शीशी रखी है, और हमारा मानना है कि हमें इस ट्रे में ज्यादा खटमल मिलेंगे उस छोटे खंबे की वजह से, और अगर ये बात सच निकली तो मजा आएगा। और उन 6 एक्सपेरिमेंट्स के अलावा हम ये भी देखना चाहते थे कि कौन सा प्रोडक्ट खटमलों का नाश कर सकता है। तो हमने फर्श पर इन 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जिन पर लिखा था कि वो खास खटमलों को मारने के लिए हैं। और आखिर में हम टेस्ट करेंगे ये फॉग स्प्रे, जिसके ऊपर भी यही लिखा था कि वो खटमलों को मारने के लिए है। गुड लक मेरे दोस्तों। और फिर हम उसे खोलकर बाहर निकल गए 3 ट्रेस को कमरे में अलग अलग जगहों पर रखकर। और अब सिर्फ एक ही काम बचा था, खटमलों को उस कमरे में ले जाकर उन सारे 6 ट्रेस के बीच में रखना और फिर वहाँ से निकलना। एक्सपेरिमेंट्स परीक्षण के लिए तैयार हैं। अब इस बड़े से दरवाजे को बंद करेंगे, कहीं मेरे ऊपर कोई खटमल तो नहीं। काम हो गया।
और अब जब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था, प्रोफेसर वॉन ने मुझे अपने साथ साथ एक बिल्डिंग में जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया, जहां से कई बार खटमलों के होने की शिकायत मिल चुकी है। तो वो और उनकी टीम जा रही है वहां से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने और खटमलों को भगाने के कुछ नए उपचार जांचने। और उस घर में आने के बाद हमें अपने मुजरिम को ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा। यहां पर एक खटमल है ना, जो प्रोफेसर को लगा कि मर चुका है। हां, वो मर चुका है, लेकिन फिर पता चला कि ये सब उसका नाटक था। और मैं घर बैठे दर्शकों को चेतावनी देना चाहूंगा, क्योंकि आगे दिखाई देने वाले दृश्य शायद आपको पसंद ना आए, तो वीडियो को आगे कर लीजिए अगर आपको सिर्फ टेस्ट के रिजल्ट्स देखने हैं। हमने जाना कि आज अमेरिका में लगभग 1000 घरों या अपार्टमेंट्स में एक में खटमल पाए जाते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे चौथे खटमलों के फैक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1950 के पहले हर 3 घरों में से एक में खटमल होते थे। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने बिस्तरों को साफ रखना चाहिए। रात के 12 बजे से 3 बजे तक ये खटमल सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और इन्हें करीब 10 मिनट लगते हैं आप तक पहुंचने के लिए, और लगभग 10 मिनट का समय आपका खून चूसने के लिए, जैसा कि आपने मेरे हाथ के साथ देखा, और फिर और 10 मिनट किसी कोने में छुपने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके बिस्तर के नीचे खटमल है, तो मैट्रेस को उठाकर उसके कोनों में खटमलों की गंदगी और मल को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बस याद रखिएगा कि यहां मामला बहुत गंभीर है, इसलिए हो सकता है कि आपका बिस्तर इतना गंदा नहीं दिखेगा। यहां पर ये दोनों खटमल संभोग कर रहे हैं, और ये चीज हमने लैब में भी बहुत देखी थी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो का 5वां खटमलों का फैक्ट। तैयार रहना, ये बहुत घिनौना है। प्रकृति में अगर कोई जीव या जंतु अपना बच्चा पैदा करता है, तो आमतौर पर वहाँ एक नर होता है, जो मान लीजिए कि ये प्लग है, और एक मादा होती है, मान लीजिए कि ये सॉकेट है। और अगर आप इसे प्लग इन करते हैं, तो आपको मिलता है एक प्यारा सा छोटा सा बेबी। और ये चीज प्रकृति में तकरीबन हर जगह देखने मिलेगी। फीमेल खटमलों के पास उनका अपना आउटलेट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नर खटमल इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रक्रिया का वैज्ञानिक नाम है ट्रोमैटिक इंसेमिनेशन। और जिस तरह अब मेरी दीवार इस वजह से टूट गई, वैसे ही उन माताओं का पेट भी घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी उम्र भी काफी कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि वो संभोग के लिए इस तरीके का इस्तेमाल क्यों करते हैं, लेकिन इनकी प्रजाति को इससे कोई तो फायदा मिल रहा होगा, क्योंकि इनकी मादाएं हर दिन तकरीबन 5 अंडे दे सकती हैं। और इसे समझने के लिए आप इस कुर्सी पर उनके काम को देख सकते हैं। और हर कीड़े मकोड़े की तरह खटमलों के पास भी एक्सोस्केलेटन होता है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, वो उनका पुराना एक्सोस्केलेटन है, जो वो अपने विकास के चरण में वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते पीछे छोड़ देते हैं। क्या ये अब तक के आपने देखे गए सबसे बड़े खटमलों के जंगल में से एक ये है? तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मैंने इससे 100 गुना ज्यादा खराब खटमलों के मामले देखे हैं। अपनी इस बात के सबूत के तौर पर उन्होंने बाद में मुझे इस घर का वीडियो भेजा, जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन अंदर मामला पलट गया। और इस जगह की सबसे घिनौनी बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान रहता था, उसे इनके काटने से एलर्जी नहीं थी, और उसने इनके साथ रहना सीख लिया। शुक्र है जिस अपार्टमेंट में हम गए वहाँ मामला इतना खराब नहीं था। प्रोफेसर और उनकी टीम ने रिसर्च के लिए कुछ सैंपल्स उठाए और खटमलों का सफाया करने लगे। और जाहिर तौर पर हमारे ऊपर और नीचे दोनों अपार्टमेंट्स में भी कुछ खटमलों ने अपना डेरा डाल रखा था। तो अगर आप भी अपने अपार्टमेंट से खटमलों का हमेशा के लिए सफाया करना चाहते हैं, तो इस बात की खबर याद से अपने मकान मालिक को कर देना, क्योंकि अगर आपके आसपास के रूम्स में खटमल हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते वापस आपके अपार्टमेंट में घुस सकते हैं। और जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे, प्रोफेसर ने मुझे बताया है कि इतने वक्त से खटमलों के बीच रहने के बाद शायद वो हमारे ऊपर भी चढ़ गए होंगे। ये इतने छोटे हैं कि हम इन्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। गौर से देखो तो दिख जाएंगे। और इसीलिए वो हमेशा बैकअप रखते हैं। ओ, दरअसल मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, और घर जाकर मैं इन्हें धोता हूँ। इनके ये जूते भी सिर्फ लैब के लिए हैं। क्या? हाँ। हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। दुर्भाग्यवश न तो हम अपने साथ पहनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लाए थे, और न हमें किसी ने बताया था। ये मैंने क्या किया? तो उसके बदले हमने जाकर अपने आप पर गर्म भाप छोड़ी, क्योंकि इसकी गर्मी की वजह से खटमल तुरंत मर जाते हैं। लेकिन फिर प्रोफेसर ने अपने जूतों को चेक करने का फैसला किया, और उन्हें ये मिला। क्या ये जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है। ओह माय गॉश, नामुमकिन। और ये देखने के बाद खुद पर सिर्फ स्टीम मारने से मेरा दिल नहीं मानेगा। और क्योंकि न्यू जर्सी की स्टेट में सिर्फ अपनी अंडरवेयर में घूमना कानून के खिलाफ था, मैं और मेरी टीम ने अपने लिए कपड़े खरीद कर स्टाइल में इंतजार करने का फैसला किया। तो अगले दिन हम वापस लैब पहुंचे अपने एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देखने के लिए, अपने साफ धुले हुए कपड़ों में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च करने वाले लोगों के साथ रहना बहुत कूल है। जरा दरवाजा खटखटाने वाले इस हैंडल को देखिए, और इस कमाल की मैगजीन को। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि वो सिर्फ खटमलों पर रिसर्च नहीं करते, ये बदबूदार है। इस जगह पर वो अपने कॉकरोचेस रखते हैं, और आपको याद हो तो मुझे कॉकरोचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मैं हटाऊं इसे? इनमें से हर एक में हजारों कॉकरोचेस हैं। वाओ, ये कितना घिनौना है। आओ, इनसे तो मुझे सख्त नफरत है। ये अमेरिकन कॉकरोचेस हैं, सबसे बड़े वाले यूएस में। उनके एंटीनास तो देखो, ये दुनिया की सबसे घटिया आवाज है। एक मिनट, इनके पंख हैं? हाँ, इनके पंख हैं। क्या फ्लोरिडा में ये उड़ भी सकते हैं? लेकिन यहाँ पर तापमान थोड़ा ठंडा है। तो अगर लैब का तापमान थोड़ा ज्यादा होता तो ये उड़ने लगते? हाँ, सही समझे। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो hey. तो फिर हम वापस ऊपर आ गए, जहाँ आकर मेरे दिल को थोड़ा आराम पहुँचा। चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। तो ये अल्ट्रासोनिक खटमल भगाने वाली मशीन बेकार निकली।
लगता है इसने उन्हें ज्यादा आकर्षित किया। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर वाली ट्रे में से हमें 120 खटमल मिले और इस वाली ट्रे में हमें मिले 101, यानी कि ये खटमलों को भगाने के लिए कुछ नहीं करता। और इस चीज का शक हमें पहले से ही था क्योंकि खटमलों के पास कान नहीं होते। और तो और, जिस अपार्टमेंट में हम गए थे वहाँ बिस्तर के पास इस तरह की मशीन्स को लगाया गया था, तो इन पर अपने पैसे बिल्कुल भी खर्च मत करना। और अब जरा इस छोटे खम्बे वाले टेस्ट को देखिए, ये तो कमाल का है। यहाँ पर कितने सारे खटमल आए हैं इस छोटे खम्बे को देख कर, और यहाँ इस वाली ट्रे के पास एक भी खटमल नहीं दिख रहा है। और बाकी चारों टेस्ट के रिजल्ट्स लगभग एक जैसे थे, तो मैं बस आपको उन चारों का एवरेज दिखाऊंगा। हमें करीब 4 खटमल मिले उस वाली ट्रे में जिसके आसपास हमने ड्राई शीट्स, मॉथ बॉल्स, बेकिंग सोडा या एसेंशियल ऑयल्स रखे थे, और उनके सामने वाली ट्रे में 26 खटमल मिले। ये रिजल्ट साफ तौर पर बताते हैं कि खटमल इन चारों चीजों से दूर रहते हैं क्योंकि इन सभी में से एक बहुत ही तेज गंध आती है, और खटमलों के सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये उनको मारने के लिए कुछ नहीं कर पाते। प्रोफेसर के हिसाब से खटमलों को इनकी गंध नहीं पसंद, लेकिन वो खुशी खुशी इनके ऊपर से चलकर आगे बढ़ेंगे अगर इन प्रोडक्ट्स की दूसरी ओर उनका शिकार लेटा हो और ये भूख से मर रहे हो। और अगर हम बात कर रहे हैं इन्हें मारने की, तो वो प्रोडक्ट्स जो खास तौर पर इन्हें नष्ट करने के लिए बने हैं उनसे मैं बहुत निराश हुआ। ये स्प्रे, एरोसोल और खटमलों को मारने वाला फॉगर, इन चारों ने 10 दिनों में लगभग 12% खटमलों को मारा। और उसके पहले कि आप ये सोचने लगे कि कुछ नहीं से तो 12% ही बेहतर है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरी ट्रे जिसमें पानी रखा था उसमें भी सिर्फ 12% ही खटमल मरे थे, यानी कि ये किसी भी काम के नहीं है। और प्रोफेसर के हिसाब से हमें इतने बुरे रिजल्ट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से खटमलों की ज्यादातर प्रजातियों ने इस तरह के प्रोडक्ट्स के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली है, और उनका कहना है कि 10 साल बाद इनसे कोई भी खटमल नहीं मरेगा। और गौर से सोचा जाए तो बात में दम है, क्योंकि काफी सालों से इंसान इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें से सिर्फ वही बचते हैं जिन पर इन प्रोडक्ट्स का असर नहीं होता, और वो अपनी इन्हीं जीन्स को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। वैसे यहाँ कुछ ऐसे केमिकल्स भी थे जो तकरीबन 50% खटमलों को मार गिरा रहे थे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इन्हें उन खटमलों के सीधे ऊपर स्प्रे करें। लेकिन अगर वो उस जगह पर वापस आएंगे जहां आपने स्प्रे किया था, तो एक बार फिर इनका असर पानी जितना ही होगा। समस्या ये है कि आप अपने घर के खटमलों की सिर्फ एक छोटी सी संख्या को देख पाएंगे, तो डायरेक्ट स्प्रे करने वाले केमिकल्स आपके किसी काम के नहीं अगर आपको खटमलों की संख्या को जड़ से उखाड़ना है। तो ये थी बुरी खबर, अब सुनिए एक अच्छी खबर। हमारे टेस्ट में एक प्रोडक्ट खरा उतरा और उसका नाम है डायटोमेशियस अर्थ, जिसने 10 दिनों में तकरीबन 90% खटमलों का सफाया कर दिया। ये आटे की तरह दिखने वाला पाउडर डायटॉम्स नामक समुद्री जीवों के फॉसिलाइज्ड शेल को कुचलकर बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि उनके शेल्स में सिलिका पाया जाता है, और ये वही पदार्थ है जो उन छोटे पैकेट्स में होता है और जिस पर लिखा होता है कि इसे मत खाना। सिलिका बड़े काम की चीज है क्योंकि ये नमी को सोखने में बहुत ही बेहतरीन है, और ये खटमलों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जब वो इसके ऊपर से गुजरते हैं तो वो उनके एक्सोस्केलेटन से चिपक जाता है, जैसे कि आप इस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और फिर वो कुछ घंटों या कुछ दिनों में डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। हम इसके बाद तुरंत लंच के लिए जाने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बुरा आइडिया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने छिपने वाली जगह पर जाकर इस चीज को बाकी खटमलों के साथ फैला देते हैं, और क्योंकि कोई भी जीव पानी के बिना नहीं जी सकता, वो इससे इम्यून नहीं होंगे। और मेरे पास आपके लिए एक और छोटी सी खुशखबरी है, और वो ये है कि खटमल 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मर जाते हैं, मतलब पलक झपकते। ये 100% असरदार है और वो इनसे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। और एक खटमल को उस तापमान तक पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक ड्रायर या एक स्टीमर, या फिर सबसे ज्यादा असरदार तरीका प्रोफेशनल्स को बुलाकर अपने पूरे घर को उस तापमान तक ले जाना। अब जब हम ये जान चुके हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि खटमलों से छुटकारा कैसे पाया जाए। वैसे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनसे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है इन्हें अपने घर में ना आने देना, और खटमलों को न्योता देने का सबसे आसान तरीका है ट्रैवल करना। तो अपने होटल रूम में घुसने के बाद इन तीनों बातों का ख्याल रखना। पहला, अपनी बेडशीट्स को उठाकर चेक कीजिए कि कहीं वहां पहले से तो खटमल अपना डेरा डाले नहीं बैठे हैं। दूसरा, अपने सूटकेस को पलंग या जमीन पर नहीं रखना, उसे किसी टेबल पर रखिए, और अगर आपको ज्यादा सावधान रहना है तो इसे आप अपने बाथटब में भी रख सकते हैं। और तीसरा, अपने कपड़ों को होटल रूम्स की अलमारियों में मत रखना, और ना ही उन्हें यहाँ वहाँ छोड़ना। जो भी आप नहीं पहन रहे उन्हें अपने सूटकेस में डाल दो या फिर हैंगर्स पर लटका दो। ठीक है, तो आप अपने ट्रैवल के दौरान होटल रूम में रुकते वक्त बहुत सावधान थे, लेकिन फिर आप अपने घर आए और आपने एक सेकंड हैंड सोफे को खरीदा, और अब आपके घर में खटमलों ने प्रवेश कर लिया। और प्रोफेसर वोंग का अनुभव ये कहता है कि आपको $4,000 खर्च करके एक्सटर्मिनेटर को बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप बचाव के ये तीन तरीके और हमला करने के ये तीन तरीके सीख लें। सबसे पहले आते हैं बचाव पर। अपने बेड को सील कर दें। आप अमेज़न से इन मैट्रेस और स्प्रिंग कवर्स खरीद सकते हैं और अपने बेड को सील कर सकते हैं, जिससे अंदर रह रहे सभी खटमल कैद हो जाएंगे। बस याद रखना कि वो 300 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, तो कवर को अगले एक साल तक मत निकालना। ना सिर्फ ये बिस्तर के सारे खटमलों को भूख से मार देंगे, बल्कि इनकी वजह से आपके बिस्तर पर खटमलों के छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। और दूसरा, ड्राइंग मशीन। हफ्ते में कम से कम एक बार बेडशीट्स और चादरों को धोकर सुखा लीजिए, हो सके तो हफ्ते में 2 बार। और हाँ, उन्हें गर्म पानी से धोना और उनको सुखाने के लिए तापमान को एकदम ज्यादा रखना, क्योंकि इससे बच पाना उनके बस में नहीं। और तीसरा है सजावट की चीज,
चीजें हटाना। सजावट की चीजें जो उनके लिए छुपने की जगह बन सकती है उन्हें किसी डब्बे या थैलियों में रख दो। उन्हें साफ कपड़े में कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन उन्हें गंदे कपड़ों की खुशबू अच्छी लगती है, तो उन्हें किसी भी डब्बे या थैलियों में रखा करें जब तक कि आप उन्हें धो नहीं देते। और हाँ, अपने बेड को दीवार से थोड़ा दूर खिसका लीजिए ताकि उनके पास ऊपर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचे, पलंग के नीचे से चढ़ना। तो ये थे बचाव के 3 तरीके, अब वक्त है इनसे लड़ने का। नंबर 1, वैक्यूम। हफ्ते में कम से कम एक बार बेडरूम की जमीन और बेड को अच्छी तरह वैक्यूम कर लीजिए और आपने जो भी कचरा जमा किया हो उसे सीधे कचरे की थैलियों में डालकर बाहर फेंक देना। और फिर आता है हमारे टेस्ट का सुपरस्टार डायटोमेशियस अर्थ। आप इसे अपने बेड के आसपास तो छिड़क सकते हैं लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे बिस्तर या बिस्तर के आसपास की दरारों और छेदों के बीच छिड़कना बहुत आसान है, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड्स के आसपास और अंदर भी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इस तरह की एक हल्की परत ही छिड़कें। अगर आपने ज्यादा का इस्तेमाल किया तो ये उतना असर नहीं करेगा क्योंकि वो इसे घूमकर पार कर सकते हैं। और आखिर में 3rd नंबर पर है स्टीम। इस तरह के एक साधारण कपड़ों के स्टीमर से आपका काम हो जाएगा। और मुझे ये सुनकर हंसी आ रही है कि इतने साल और पैसे बर्बाद करने के बाद खटमलों को जड़ से मिटाने के लिए जो तरीके सबसे ज्यादा असरदार रहे वो थे समुद्री मिट्टी वाला पाउडर और बहुत ही गर्म पानी, जो इनमें से सबसे ज्यादा साधारण और नेचुरल भी है। हफ्ते में एक बार स्टीमर का इस्तेमाल अपने पूरे बिस्तर पर कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसे आप स्टीम नहीं कर सकते तो उसे एक थैली में बांधकर 3 दिनों के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए और वो मर जाएंगे। प्रोफेसर वॉन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें अपने घर में खटमलों के होने का पता चलता है तो ये 3 बचाव के और 3 लड़ने के तरीकों के इस्तेमाल से आप उस तकलीफ को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्मिनेटर की जरूरत के। लेकिन अगर आपके घर में बहुत से खटमल हैं, वो भी एक लंबे वक्त से, तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप असली प्रोफेशनल की मदद लें। पूरे घर का तापमान बढ़ाने वाली प्रक्रिया करीब 8 घंटे लेती है और ये एक ही बार में सभी खटमलों और उनके अंडों को भी पूरी तरह खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसकी कीमत हो सकती है करीब $4,000 आपके घर की साइज को देखते हुए। और अब जब आप बचाव और लड़ने के दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बेड के पैरों के नीचे इस जाल को बिछा दीजिए ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने उनका सफाया कर दिया है। तो बस इतना ही, अब आप खटमलों के एक्सपर्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया की ओर देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। और बाकी सभी को इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया। और अब जाइए, अपने सेहत का ख्याल रखिए।